हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ आरएस। फ्रेंड्स, जैसे कि सभी लोग गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, ऐसे ही हमारी फैमिली में भी एक ट्रिप बनाया कि हम भी बस वीकेंड वेकेशन में कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। तो फ्राइडे नाइट हमने मोगा से 9 बजे अपनी एक गाड़ी बुक करवाई हुई थी, उस पर हम घूमने के लिए गए, और जिसमें हम और हमारी फैमिली और मेरे हस्बैंड के दोस्त थे। टोटल हम 3 फैमिलीज थी। तो ये रात को डिनर टाइम की सेल्फी है। तो यहाँ पर हम बहुत खुश थे। हमने रात हम हाफ जो कह सकते हो कि अपना सफ़र कंप्लीट कर चुके थे, तो काफ़ी भूख भी लगी थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम खाना खाते हैं, तो इसीलिए हम जलंधर के एक ढाबे में रुके और खाना लिटरली बहुत टेस्टी था। तो नेक्स्ट डे फिर हम जो हमारा फर्स्ट डे था वो माता चिंतपूर्णी का था। तो 7:30 हम माता के दर्शनों के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। वहाँ पर हमने कुछ सेल्फीज़ ली और हम माता के दर्शनों के लिए वहाँ से चल पड़े। और यहाँ पर मैं कुछ प्रीव्यू दिखा रही हूँ आपको। हमें माता जी के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए क्योंकि वहाँ पर सुबह के टाइम इतना रश नहीं था। लेकिन जैसे ही हम दर्शन कर वापस आए तो वहाँ पर हमें बहुत रश देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चों को बैठने के लिए यहाँ पर चेयर्स लगी हुई है, तो वहाँ पर बच्चों के साथ कोई बड़ा ठहर सकता है। तो हमने बहुत ही खुले दर्शन किए हैं माता रानी के। जैसे ही हमने दर्शन किए तो हमने माता रानी के दरबार पे चौकी भरी, जैसे कि सब लोग दर्शन करने के बाद चौकी जरूर भरते हैं। आप लोग देख रहे हो इस चौकी जब हम भर रहे थे तो कुछ लोग देव माता रानी का जो प्रसाद है वो उस माता रानी के दर्शन करने के बाद कंजक पूजन करते हैं और कंजकों को प्रसाद देते हैं। जो कड़ा का प्रसाद वहाँ पर लगता है हलवे का, वो कंजके वहाँ पर जो होती हैं उनको वो प्रसाद दिया जाता है। मेरे बेटे ने भी खूब मस्ती की वहाँ पर। हमारी जब हम वहाँ से दर्शन करके वापस आए, वहाँ पर चाय का लंगर लगा हुआ था और कुछ पकोड़े भी मिल रहे थे। तो हमने चाय का लंगर लिया और पकोड़े खाए और हम फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद हम फिर अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू किया। फिर हमने माता बंगलामुखी के दर्शन किए। तो माता बंगलामुखी के दर्शन जो थे वो भी हमें बहुत ईजिली हो गए। माता रानी ने हमें बहुत अच्छे दर्शन करवाए, हमें ज़्यादा टाइम लाइन पे नहीं लगना पड़ा। तो ये आप देख सकते हो कि माता बंगलामुखी का मंदिर है। ये सारे मंदिर हिमाचल प्रदेश के काफ़ी ही पुराने मंदिर
पुराने मंदिर हैं, ये वहाँ पर भैरवनाथ जी की मूर्ति है। हमने फिर कुछ सेल्फी वगैरह ली, उसके बाद फिर हम आगे चल पड़े और फिर हम अचरा माता मंदिर पहुँचे। ये एक छोटा सा मंदिर है जो आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। और इस मंदिर की जो खासियत है, यहाँ पर एक झरना बहता है, उस झरने माना जाता है कि जो झरने के नीचे नहाता है उसको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। ये बात मुझे बाद में पता चली, पहले मुझे ये बात नहीं पता थी, क्योंकि मैं इस वीडियो का शूट करना चाहती थी, इस वीडियो को YouTube चैनल पे डालना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने वहाँ पर स्नान किया, और आते वक्त हम फिर इस मंदिर से होकर वापस आए थे, उस वक्त मैंने भी यहाँ पर स्नान किया। और कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर हम आगे चल पड़े और फिर हम पहुँचे माता चामुंडा देवी के दर्शनों के लिए। और माता चामुंडा देवी जो है वो मंदिर, ये भी जैसे कि आप लोग जानते हो काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये भी, और यहाँ पर भी काफ़ी लोग माता के दर्शनों के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी काफ़ी जो है पानी बहता है इधर, और इधर भी मेरे हस्बैंड यहाँ मेरे बेटे को लेके काफ़ी मस्ती भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सभी जो फ्रेंड्स हमारे साथ गए थे सबने काफ़ी रिलैक्स किया, माता रानी के दर्शन किए, और पानी का बहाव देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पानी का बहाव रहा यहाँ पर और रहता है। और हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और बहुत हमने मैगी खाई यहाँ पर और बहुत इंजॉय किया।